आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए क्या प्रयास किया गया, इसको समझने की आवश्यकता है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास, देखिए सुपर कंप्यूटर आपने पिछली क्लास में ये लिखा था कि क्या है पृष्ठभूमि, लाभ, योगदान, महत्व, और ये आपने लिख लिया था चुनौतियां, बाधाएं। अब ये पॉइंट लिखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयास क्या किया गया। तो ये पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है कि भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए क्या प्रयास किया, भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए क्या प्रयास किया है। भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए प्रयास क्या किया है। तो भारत सरकार का सुपर कंप्यूटर विकास के लिए प्रयास, भारत सरकार का सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए प्रयास। अब देखिए 1980 के दशक में भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के विकास का निर्णय लिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि आवश्यक विकास के लिए दूसरा देश सहयोग नहीं देगा। ऐसे में जरूरी है कि अपना हाथ जगन्नाथ किया जाए, अर्थात अपनी क्षमता से जो है सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाए। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1980 के दशक में 3 कंपनियों से संपर्क किया। देखिए भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 3 कंपनियों से संपर्क किया, एक IBM से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा हैवर्ड पैकर्ड से और तीसरा क्रे कंप्यूटर से। IBM, हैवर्ड पैकर्ड और क्रे कंप्यूटर, ये 3 कंपनियों से भारत की सरकार ने संपर्क किया कि सुपर कंप्यूटर दिया जाए, कि सुपर कंप्यूटर बनाने में हमें सहयोग दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं IBM और हैवर्ड पैकर्ड ने मना कर दिया कि हम भारत को सुपर कंप्यूटर बनाने में सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का दबाव था। उस समय भारत रूस की तरफ था और भारत अमेरिकी लॉबी में नहीं था, मतलब भारत अमेरिका की तरफ नहीं था और अमेरिका के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन क्रे कंप्यूटर तैयार हो गई थी शुरू में सहयोग देने के लिए, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दबाव से इसने भी मना कर दिया। मतलब तीन, ये सुपर कंप्यूटर बनाने की 3 बड़ी कंपनियां, तीनों ने हमें मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर बनाने में सहयोग नहीं करेंगे। और जब जानते कोई सहयोग नहीं करता तभी स्वयं की क्षमता प्रकट होती है। और अंततः हमने निर्णय लिया कि हम स्वयं सुपर कंप्यूटर का विकास करेंगे। और सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए CDAC की स्थापना की गई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC की जानते शुरुआत हुई। तो देखिए यहां लिख लेंगे 2 लाइन, शुरू में भारत की सरकार ने शुरू में भारत की सरकार ने सुपर कंप्यूटर बनाने में सहयोग के लिए 3 कंपनियों से, IBM, HP और
क्री कंप्यूटर से संपर्क किया, क्री कंप्यूटर से संपर्क किया, क्री कंप्यूटर से संपर्क किया, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दबाव के कारण, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दबाव के कारण इन कंपनियों ने सहयोग करने से मना कर दिया। दबाव के कारण इन कंपनियों ने सहयोग करने से मना कर दिया, सहयोग करने से मना कर दिया, इन कंपनियों ने सहयोग करने से मना कर दिया। इसी संदर्भ में मना कर दिया, पहले यहां तक लिख लिया, लिख लिया। सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन कंपनियों से सुपर कंप्यूटर में सहयोग करने के लिए बात की गई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हार्वर्ड पैकर्ड और क्री कंप्यूटर, लेकिन तीनों कंपनियों ने सहयोग करने से मना कर दिया। लिखे अंततः भारत की सरकार ने स्वयं से सुपर कंप्यूटर विकसित करने का निर्णय लिया। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और HP का मतलब हार्वर्ड पैकर्ड। HP का कंप्यूटर भी आता है, प्रिंटर स्कैनर वगैरह भी आता है, हार्वर्ड पैकर्ड। फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, ऐसे HP का फुल फॉर्म क्या करेंगे। स्वयं से विकसित करने का निर्णय लिया और इसके लिए सी डेक की स्थापना 1987 में पुणे में की गई। इसके लिए सीडैक की स्थापना 1987 में पुणे में की गई। इसके लिए सीडैक की स्थापना 1987 में पुणे में की गई।
1987 में की गई। अब देखिए, इसी के नेतृत्व में भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया गया। यही सुपर कंप्यूटर बनाने की देश की सबसे बड़ी संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब इसमें डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में, परम श्रृंखला की कंप्यूटर की विकास की शुरुआत की गई। सुपर कंप्यूटर के विकास की शुरुआत की गई। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मैं लिख देता हूं कि क्या क्या बनाया गया। अब इसी के अंतर्गत परम 8,000 1991 में परम 9,000 1993 में परम 10,000 1998 में परम पदम 2003 में परम ईवा वन 2008 में परम ईवा टू 2013 में ये सब विकसित किए गए। जैसे परम 8,000 परम 9,000 परम 10,000 परम पदम परम युवा एक परम युवा दो। ऐसे बहुत सारे जानते हैं सुपर कंप्यूटर बनाए गए और भारत सुपर कंप्यूटर बनाने में आत्मनिर्भर देश बन गया। यह शुरुआती दौर 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया। 2015 में
नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और इसमें 7 वर्षों में 4500 करोड़ का बजट दिया गया और 2015 से 2022 के बीच में यह मिशन चलाया गया 2022 के बीच में मिशन चलाया गया और इसमें भारत में राष्ट्रीय जरूरत के लिए, ताकि ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, क्योंकि हर चीज़ को अंततः प्रोसेस करना पड़ता है, हर चीज़ की निगरानी करनी पड़ती, बिना सुपर कंप्यूटर के निगरानी और प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो ये इसीलिए जानते हैं इसमें सुपर कंप्यूटर क्या क्या बनाया गया, इसकी भी लिस्टिंग रखिए, इसमें भी क्या क्या किया गया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या विकसित किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर, विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर, नंबर एक जैसे परम सिद्धि, परम सिद्धि, और परम सिद्धि की क्षमता आप जानते हैं 5.267 पेंटाफ्लॉप्स है, ये इसकी क्षमता है 5.267 पेंटाफ्लॉप्स। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष 4 पेंटाफ्लॉप्स, प्रत्यूष, मिहिर, मिहिर है ये 2.6 पेंटाफ्लॉप्स। सहस्त्र टी, सहस्त्र टी है 1.24 पेंटाफ्लॉप्स। परम शिवाय, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है 850 टेराफ्लॉप्स, ये देखिए टेराफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स है परम ब्रह्म है, परम शिवाय, परम शिवाय है ये 833 टेराफ्लॉप्स है, 833 टेराफ्लॉप्स है, 833 टेराफ्लॉप्स है।
ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। इसमें दो चार आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए किए गए प्रयास हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर लिखें, क्वांटम कंप्यूटर, क्या है पृष्ठभूमि, लाभ, महत्व, योगदान, चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं और भारत में प्रयास। भारत में प्रयास, क्वांटम कंप्यूटर। देखिए ध्यान से सुनिए, भारत क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में बादशाहत कायम करना चाहता है। भारत चाहता है कि क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत फ्रंटियर रहे, बहुत आगे रहे। ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सिग्नल के विकास हो जाने के बाद साइबर क्राइम की समस्या का समाधान हो जाता है। क्वांटम सिग्नल को हैक नहीं किया जा सकता है, और अगर आपके पास क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सिग्नल हो गया तो ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स में एक महाक्रांति आएगी। दूसरे, भारत की सुरक्षा रक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करना संभव होगा। आप सभी लोग जानते हैं परमाणु बम को बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन परमाणु बम कोई हाथ से नहीं फेंका जाता। परमाणु बम का कोड होता है, वो कोड अभी जो बनता है वो डिजिटल सिग्नल से बनता है, डिजिटल कोड होता है। डिजिटल कोड को कोई भी हैक करके फोड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन वो परमाणु बम हम स्वयं फोड़ सकते, उसका परमाणु बम हम स्वयं फोड़ सकते। आप कहेंगे आप कैसे फोड़ सकते हैं? अरे भाई, उसके सिग्नल को हैक करके। कैसे? क्वांटम सिग्नल से, क्वांटम कंप्यूटर से। चीन क्वांटम कंप्यूटर के विकास में बहुत आगे है और इस पर उसने बहुत अधिक निवेश किया है। पूरी दुनिया में चीन क्वांटम कंप्यूटर के विकास से, क्वांटम सिग्नल के विकास से पूरी दुनिया की तकनीकी व्यवस्था को अपने पक्ष में करना चाहता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर के विकास पर भारत भी खर्च करे और क्वांटम कंप्यूटर का विकास करके इस क्षेत्र में बादशाहत कायम करे। क्वांटम कंप्यूटर के विकास हो जाने पर सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता, सुपर कंप्यूटर से भी अधिक जानते हैं जो है दक्षता, और साथ ही साथ अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के साथ साथ सुरक्षा रक्षा सबको बेहतर करना संभव होगा। इसीलिए जानते क्वांटम कंप्यूटर का विशेष महत्व है। तो पहले क्वांटम कंप्यूटर है क्या, इसी देखा जाए। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर क्या है? अब देखिए, ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के आधार पर या बिट्स के आधार पर नहीं काम करते। ये कंप्यूटर किसके आधार पर काम करते हैं? क्यूबिट्स के आधार पर। क्यूबिट्स, और क्यूबिट्स का मतलब होता है जीरो वन का उपयोग एट ए टाइम, जीरो एंड वन एट ए टाइम, जीरो वन का एक साथ उपयोग, जीरो और वन का एक साथ उपयोग,
जीरो वन का एक साथ उपयोग, और जीरो वन का एक साथ उपयोग होगा तो क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन और वन वन वन, अर्थात इतनी संभावनाएं बनेंगी आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इट मीन्स टू टू द पावर थ्री इक्वल्स टू एट, ये आठ दशाएं बनती, आठ दशाएं बनती। ये जीरो वन के सभी दशाओं का एक साथ उपयोग, जीरो वन के सभी दशा, और जीरो वन की सभी दशा का मतलब, जीरो वन की सभी दशा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मतलब तीन, जीरो वन की सभी दशा का मतलब क्या है, एक्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक्स वाई जेड सभी का उपयोग, इसमें हर जगह का उपयोग हो जाता है एक्स वाई जेड। तो वह कंप्यूटर जो क्यूबिट्स के आधार पर काम करता है उसी को क्वांटम कंप्यूटर, ये बिट के आधार पर नहीं, बाइट के आधार पर नहीं, क्यूबिट्स के आधार पर, ऐसे कंप्यूटर जो क्यूबिट्स के आधार पर काम करते हैं, जो क्यूबिट्स के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर क्यूसी कहा जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो क्यूबिट के आधार पर काम करते हैं, अर्थात जीरो वन की सभी दशाओं का उपयोग करते, जो क्यूबिट के आधार पर काम करते हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। क्यूबिट क्या है, जीरो वन का एक साथ उपयोग है। ऐसे कंप्यूटर जो क्यूबिट के आधार पर काम करते हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है, जो क्यूबिट के आधार पर काम करते हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है। दो हजार उन्नीस में गूगल के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर, साइका मोर, दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर साइका मोर के नाम से बनाया गया। ये दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है। साइका मोर के नाम से बनाया गया। जितना काम जानते हैं वर्तमान में सुपर कंप्यूटर 10,000 वर्षों में करेगा, उतना काम ये 2 से 2.5 दिन में, इसका दावा है। अब देखिए साइका मोर, यह जितना काम सुपर कंप्यूटर 10,000 वर्षों में करेगा
उतना काम, यह है 2 से 3 दिनों में करने में सक्षम है, 2 से 3 दिनों में करने में सक्षम है। जितना काम सुपर कंप्यूटर 10,000 वर्षों में करेगा, उतना काम यह 2 से 3 दिनों में करने में सक्षम है, उतना काम यह 2 से 3 दिनों में करने में सक्षम है। उतना काम यह 2 से 3 दिनों में करने में सक्षम है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर आपने समझा, आप पृष्ठभूमि समझ लीजिए। देखिए क्वांटम कंप्यूटर भले बहुत अधिक क्षमता वाला है, लेकिन इसको भी हैक किया जा सकता है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल के आधार पर है, बिट सिग्नल के आधार पर है। इसी नाते आवश्यकता थी कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसको हैक ना किया जा सके। देखिए क्वांटम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कितनी भी क्षमता वाला हो, कितनी भी क्षमता वाला हो, यह बिट सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। यह बिट सिग्नल का मतलब डिजिटल सिग्नल। यह बिट सिग्नल डिजिटल सिग्नल के आधार पर कार्य करता है, यह डिजिटल सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर कितनी भी क्षमता वाला हो, यह बिट सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। जीरो वन से जीरो, जीरो वन से जानते 3 दशा है ना, तो जीरो जीरो जीरो, 3 दशा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्स वाई जेड, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 होता है ना, तो 0 1 की सभी दशा। देखिए 0 1 की ध्यान सुनेंगे, 0 1 की अगर खाली 2D में दशा देखेंगे तो इतनी दशा आती, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन 0 1 की सभी दशा का देखेंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और 0 1 1 1 1 0 1 0 1 और 1 1 1, इतनी सारी स्थिति, ऐसी स्थिति। ये देखिए ये है क्यूबिट, इसी को क्यूबिट कहा जाता है और इसको बिट कहा जाता है। ये बिट है, इससे डिजिटल सिग्नल बना है, इससे क्वांटम सिग्नल बनता है, इससे डिजिटल सिग्नल बनता है, ये डिजिटल सिग्नल, इससे डिजिटल सिग्नल बनता है और इससे क्वांटम सिग्नल। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर बना दिया, बाकी इधर लिखेंगे। सुपर कंप्यूटर कितनी भी क्षमता वाला हो, यह बिट सिग्नल के आधार पर काम करता है, जिसके नाते इसमें साइबर क्राइम की चुनौती पाई जाती है, जिसके नाते इसमें साइबर क्राइम की चुनौती पाई जाती है, जिसके नाते इसमें साइबर क्राइम की चुनौती पाई जाती है। इसीलिए एक विकल्प की आवश्यकता थी, इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ, इसी लिए एक विकल्प की
आवश्यकता थी जिसमें साइबर क्राइम ना हो और जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा हो, एक विकल्प की आवश्यकता थी जिसमें साइबर क्राइम ना हो और जो बहुत अधिक क्षमता वाला और जो बहुत अधिक क्षमता वाला, जिसमें साइबर क्राइम ना हो और जो बहुत अधिक क्षमता वाला हो, इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ। इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ, इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ, इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ। इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ। इसी संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर का विकास हुआ। तो ये जानते इसकी पृष्ठभूमि हो गई। कोई खास चीज देखे, एक बार अगर आपने इसको समझ लिया, पहले तो आप नहीं समझ में आए तब भी ध्यान रखा करिए कि ऐसे कंप्यूटर जो क्यूबिट्स के आधार पर काम करते हैं, 0-1 की सभी संभावना, मतलब क्वांटम का मतलब ही होता सारी संभावना, और ये उसके विकल्प के रूप में। अच्छा, आप क्या क्या लाभ और महत्व है, क्वांटम कंप्यूटर से लाभ या इसका महत्व या योगदान, सबसे पहली बात तो इसमें बहुत अधिक जानते हैं संगणना और तर्क बुद्धि, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत तेज प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। बात समझ रहे हैं, इससे सूचना और संचार तकनीकी में एक नए युग की शुरुआत होगी, इससे सूचना एवं संचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, नए युग की शुरुआत होगी, इससे सूचना एवं संचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में नई क्रांति आएगी, वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान में, वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान में नई क्रांति आएगी, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में नई क्रांति आएगी, वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान में नई क्रांति आएगी, नई दवाओं और टीकों का विकास, नई दवाओं एवं टीकों का तेज विकास संभव होगा, का तेज विकास संभव होगा, नए दवाओं एवं टीकों का तेज विकास संभव होगा, नए दवाओं एवं टीकों का तेज विकास संभव होगा, साइबर क्राइम्स की समस्या से मुक्ति मिलेगी,
साइबर क्राइम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र का क्षेत्र बेहतर होगा, रक्षा एवं सुरक्षा का क्षेत्र बेहतर होगा, रक्षा एवं सुरक्षा का क्षेत्र बेहतर होगा, रक्षा एवं सुरक्षा का क्षेत्र बेहतर होगा। ई गवर्नेंस ई कॉमर्स में क्रांति आएगी, ई गवर्नेंस एवं ई कॉमर्स में नई क्रांति आएगी, नई क्रांति आएगी, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में नई क्रांति आएगी, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में नई क्रांति आएगी। इससे भारत का वैश्विक उभार होगा, क्योंकि जो क्वांटम तकनीकी में जानते हैं अपना प्रभाव स्थापित करेगा वो हर क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित होगा। इससे भारत का वैश्विक उभार संभव होगा, वैश्विक उभार संभव होगा, इससे भारत का वैश्विक उभार संभव होगा। इसके विकास से आधुनिकीकरण एवं नवाचार में, आधुनिकीकरण एवं नवाचार में नई दौर की शुरुआत हो, इसके विकास से आधुनिकीकरण एवं नवाचार में नए दौर की शुरुआत होगी, इससे इसके विकास से आधुनिकीकरण एवं नवाचार में नए दौर की शुरुआत होगी। अब इसमें चुनौतियां जो है वो देख लिया जाए, चुनौतियां बाधाएं क्या है, चौथा चुनौतियां बाधाएं चिंताएं, चुनौतियां बाधाएं चिंताएं। देखिए पहली चुनौती कि अभी यह इसका विकास शुरुआती दौर में है, मूल्य भी अधिक है, अभी क्वांटम कंप्यूटर का विकास शुरुआती दौर में है, अभी क्वांटम कंप्यूटर का विकास शुरुआती दौर में है, इसकी लागत और मूल्य अधिक है, लागत एवं मूल्य अधिक है, लागत एवं मूल्य अधिक है, लागत और एवं मूल्य अधिक है। अगला जानते हैं रख रखाव की चुनौती है, रख रखाव की चुनौती है,
रखरखाव की चुनौती है, अच्छा इस तकनीकी का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसको हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से हर कंप्यूटर और तकनीकी को हैक किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से हर कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, इसके माध्यम से हर कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, इसके माध्यम से हर कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। अब भारत में प्रयास, क्वांटम कंप्यूटर के लिए भारत में प्रयास, क्वांटम कंप्यूटर के लिए भारत में प्रयास, क्वांटम कंप्यूटर के लिए भारत में प्रयास। तो भारत में दो जानते हैं बड़ा प्रयास इस दिशा में हुआ है, पहला क्वेस्ट, ये 2018 में, और दूसरा है क्वांटम, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ये है क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या किया गया, क्वांटम तकनीकी से जुड़े हुए विज्ञान, इसके अंतर्गत क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया जाने लगा, विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में अभी अगले पेज पे लिखते हैं,
अब इसके बाद देखिए, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये 8000 करोड़ रुपए की लागत से, 8000 करोड़ का बजट, ताकि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बादशाहत कायम कर सके, ताकि क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भारत बादशाहत कायम कर सके, ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बादशाहत कायम कर सके, और इस तकनीकी के विकास से जानते हैं भारत में इंडस्ट्री 4.0 में एक महाक्रांति आएगी। इसके विकास से इंडस्ट्री 4.0 में महाक्रांति की शुरुआत होगी। महाक्रांति की शुरुआत होगी, इंडस्ट्री 4.0 में महाक्रांति की शुरुआत होगी। तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटर और उससे जुड़ी चीज़ों पर ये हम लोगों ने समझ बना ली। तो अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। बेसिकली इसमें ये सवाल मुझे लगता है पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, केवल सेकंड पेपर में नहीं। आप देखिए, बहुत सारा करंट अफेयर के नाते फर्स्ट पेपर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूछा जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इससे क्या, या इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसे सवाल आ सकता है, या क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कैसे बेहतर है चर्चा कीजिए, क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कैसे बेहतर है प्रकाश डालिए, या चर्चा कीजिए, कैसे बेहतर है चर्चा कीजिए। कैसे बेहतर है चर्चा कीजिए। तो ये हम लोगों ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 5 टेक्नोलॉजी कर लिया, एक और रह गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पहले तो हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, नैनो टेक पूरा हो गया, फिर एआई एंड मशीन लर्निंग भी हो गया, फिर इसमें हम लोगों ने रोबोट पढ़ लिया,
फिर सुपर कंप्यूटर हो गया, फिर क्वांटम कंप्यूटर हो गया, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन तकनीक। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है। और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी और ये सब चीजें भी पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीकी, ब्लॉकचेन तकनीकी, और इसी के साथ जानते समझना है एंड क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी। इसी के आधार पर जानते बिटकॉइन का विकास हुआ है। तो क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पहले यह समझ लिया जाए भाई क्या है। देखिए, एक ऐसी तकनीक है जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के आधार पर काम करती, वितरित नेटवर्क के आधार पर काम करने वाली तकनीक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग के आधार पर नहीं काम करती, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करती। एक ऐसी तकनीकी, एक ऐसी तकनीक जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क योम प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करते, योम प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करते, योम प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करती है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एवं प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, एक ऐसी तकनीक जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एवं प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और प्रोग्रामिंग के आधार पर कार्य करती है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के आधार, अच्छा, इसका विकास 2008 में संतोषी नाकामोटो, इस तकनीकी का विकास 2008 में इस तकनीक का विकास 2008 में डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा की गई।
इस तकनीकी का विकास 2008 में डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा की गई। डॉक्टर संतोषी नाकामोटो तो एक चार्ट बना लीजिए। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है ये आपने देख लिया। अच्छा इंटरनेट और इसमें अंतर, इंटरनेट एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अंतर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अंतर, इंटरनेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अंतर, विशेषताएं चुनौतियां। फिर क्रिप्टो करेंसी की बात होगी। जापान का ही नाकामोटो, जापान के थे नाकामोटो। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया कि भाई क्या है वह तकनीकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करती, इंटरनेट जबकि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग के आधार पर। देखिए एक तरफ इंटरनेट लिखे, ये दूसरा पॉइंट है, एक तरफ इंटरनेट, ये दूसरे पॉइंट की बात हो रही है। एक तरफ इंटरनेट लिखिए और एक तरफ ब्लॉकचेन, ब्लॉक चेन या टेक्नोलॉजी भी लिख लीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए पहला बात तो है इसमें सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग होती, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग है, अभी दिखाएंगे आपको, पहले अंतर कर लीजिए फिर मैं इसको इसको समझ। इसमें सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग है, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग है। सेंट्रलाइज्ड होने के नाते ही साइबर क्राइम वगैरह की चुनौती। सेंट्रलाइज का मतलब हर चीज एक जगह से जुड़ा होता है। देखिए ऐसे सारी, जैसे एक कंप्यूटर है उसी से सारा कंप्यूटर, इंटरनेट में क्या होता सारी चीज एक जगह से जुड़ी होती, ये सेंट्रलाइज नेटवर्किंग है। जबकि इसमें देखिए डिसेंट्रलाइज नेटवर्किंग, जैसे कोई एक चीज दूसरे, सब चीज एक साथ नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि देखिए कैसे जुड़ी हुई, जैसे देखिए ये इससे जुड़ा, 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 और ये देखिए इससे जुड़ा ब्लॉक है पूरा, ये इससे जुड़ा, ये देखिए इससे जुड़ा। तो अब कोई भी हैक करेगा तो इतने जगह है उसको जानते हैं, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यहां तो हैक करने के लिए सिर्फ इसी की फ्रीक्वेंसी तोड़ दीजिए, सारा चीज हैक करके उठा ले जाइए। लेकिन जानते हैं इसमें आपको हर जगह सहमत होना पड़ेगा। अगर हैकिंग किया जाए तो इसमें हैकिंग आसान है भाई, सारा पैसा एक बक्से में रख दीजिए, कोई बक्सा उठा के चला गया तो चोरी आसान है कि नहीं। लेकिन अपने पास जितना पैसा है उसको 200 बक्से में रखिए, कपड़े में रखिए, इधर रखिए, उधर रखिए, तो चोर आएगा तो सारा पैसा तो नहीं उठा ले जा पाएगा, मतलब चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इसीलिए जानते, देखिए डिसेंट्रलाइज्ड, ये विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग है, ये विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग है, ये विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग है, और ये केंद्रीकृत नेटवर्किंग, ये केंद्रीकृत नेटवर्किंग, ये केंद्रीकृत नेटवर्किंग है, वो विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग है, केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत। अब देखिए केंद्रीकृत, इसमें साइबर क्राइम आसान है, इसमें साइबर क्राइम आसान है, और इसमें संभव ही नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा आप कोड तोड़ ही नहीं सकते,
ये तो मैंने कम बनाया, और भी ब्लॉक होता है, इसमें साइबर क्राइम संभव ही नहीं, इसमें साइबर क्राइम संभव ही नहीं है, इसमें साइबर क्राइम संभव ही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब एक बार मैं दूसरे पेज पे इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे पेज पे एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट। अब देखिए, एक तरफ हो गया इंटरनेट, अब मैं सारे पॉइंट लिख देता हूं इंटरनेट, और एक तरफ हो गया ब्लॉक चेन। पहले देखिए, खोज इसकी हुई, मतलब आविष्कार, खोज तो नहीं, आविष्कार 1973, इसका आविष्कार 2008, आविष्कार किसने किया? विंटन एवं सर्फ, विंटन सर्फ द्वारा, और ये डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा, डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा, डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा, डॉक्टर संतोषी नाकामोटो के द्वारा। इसमें सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग, इसी को सर्वर नेटवर्किंग भी कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग आधारित या सर्वर नेटवर्किंग आधारित, सर्वर नेटवर्किंग आधारित, सर्वर नेटवर्किंग आधारित, और ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग आधारित। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग आधारित, विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग आधारित, विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग आधारित, विकेंद्रीकृत नेटवर्किंग आधारित। इसमें डाटा एक जगह स्टोर होता है, डाटा एक जगह स्टोर होता है, और डाटा इसमें एक जगह स्टोर ही नहीं होता है, विकेंद्रीकृत होता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें डाटा एक जगह स्टोर ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डाटा एक जगह ना स्टोर हो करके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डाटा एक जगह स्टोर ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, इसमें साइबर क्राइम आसान है, उसमें साइबर क्राइम बहुत टफ है, इसमें साइबर क्राइम। अगले पॉइंट पर लिखते हैं, अगले पेज पे। साइबर क्राइम आसान है, साइबर क्राइम संभव ही नहीं, साइबर क्राइम संभव नहीं है। अच्छा, इसका पहला प्रोडक्ट जानते क्या है? ईमेल है, और इसका पहला प्रोडक्ट बिटकॉइन है, इसका पहला एप्लीकेशन
पहला एप्लीकेशन ईमेल है। ईमेल वो वाला ईमेल नहीं जो 1971 वाला, जो ईमेल हम आज यूज कर रहे हैं इसकी शुरुआत 1982 से हुई। 1982 में बी शिवा अन्ना दुरई के द्वारा, बी शिवा अन्ना दुरई, बी शिवा अन्ना दुरई के द्वारा, और इसका पहला एप्लीकेशन बिटकॉइन है। इसका पहला एप्लीकेशन बिटकॉइन है और ये बिटकॉइन वही 2008 से शुरू हुआ, 2009 से उपयोग है इसका। तो ये आपने देख लिया कि ब्लॉकचेन और इंटरनेट में अंतर। अब विशेषताएं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तकनीक की विशेषताएं। पहली विशेषता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, पहली विशेषता कि इसमें डाटा की सुरक्षा होती है, साइबर क्राइम संभव नहीं है, साइबर क्राइम संभव नहीं है, निजता और गोपनीयता की रक्षा है, निजता एवं गोपनीयता की रक्षा है, निजता एवं गोपनीयता की रक्षा है, निजता एवं गोपनीयता की रक्षा है। इसमें वित्तीय लेन देन बहुत सुरक्षित रहता है, इसमें वित्तीय लेन देन बहुत सुरक्षित रहता है, इसमें वित्तीय लेन देन बहुत सुरक्षित रहता है, इसमें वित्तीय लेन देन सुरक्षित रहता है, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने विशेषताएं भी लिख ली, आप चुनौतियां लिखिए। चुनौतियां बाधाएं, पहला अभी इस तकनीकी का, अभी इस तकनीकी का पूरा विकास, अभी इस तकनीकी का पूरा विस्तार नहीं हुआ है, पूरा विस्तार नहीं हुआ है, अभी इस तकनीकी का पूरा विस्तार नहीं हुआ है। अच्छा, गोपनीयता का जानते, दुरुपयोग हो सकता है, राज्य का नियंत्रण है, इससे राज्य का नियंत्रण समाप्त होता है,
इससे राज्य का नियंत्रण समाप्त होता है, गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। और इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर, इसमें कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लॉग बनाने में, प्रोसेस करने में, जानते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी, इससे पर्यावरण को चुनौती होती है, इससे पर्यावरण के लिए चुनौती उत्पन्न होती है, इससे पर्यावरण के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी हम लोगों ने लिख लिया। अब केवल जानते हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी, इसको भी जानते फटाफट देख लिया जाए। तो ब्लॉकचेन पे तो सीधे सवाल जब आएगा तो आप कर ले जाएंगे कि ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, इससे लाभ एवं चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, ब्लॉकचेन एवं इंटरनेट के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए, अंतर पर प्रकाश डालिए, ब्लॉकचेन एवं इंटरनेट के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। अब फटाफट क्रिप्टो करेंसी भी लिख लिया जाए, क्रिप्टो करेंसी, क्या है लाभ, महत्व और चुनौतियां। अब आसान है चूंकि आपने चुनौती बाधाएं, क्योंकि आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, तो उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐसी करेंसी, सॉफ्टवेयर करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, होती है, ऐसी सॉफ्टवेयर करेंसी, ऐसी सॉफ्टवेयर करेंसी या डिजिटल करेंसी, सॉफ्टवेयर करेंसी, ऐसी सॉफ्टवेयर करेंसी जो डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पर आधारित होती, जो विकेंद्रीकृत डाटाबेस ऐसी सॉफ्टवेयर करेंसी जो विकेंद्रीकृत डाटाबेस पर आधारित होती है, अर्थात जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है,
दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। और एक लाइन लिख लीजिएगा, भारत में बिट क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं है, अभी मान्यता नहीं, भारत में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है। अब क्रिप्टो करेंसी से लाभ या महत्व इसका, क्रिप्टो करेंसी से लाभ या इसका महत्व, क्रिप्टो करेंसी से लाभ, पहला इससे वित्तीय लेन देन सुरक्षित हो जाता है, वित्तीय लेन देन सुरक्षित हो जाता है, वित्तीय लेन देन सुरक्षित हो जाता है, साइबर क्राइम की समस्या समाप्त हो जाती है, साइबर क्राइम की समस्या समाप्त हो जाती है, साइबर क्राइम की समस्या समाप्त हो जाती है, निजता एवं गोपनीयता का संरक्षण होता है, निजता एवं गोपनीयता का संरक्षण होता है, निजता एवं गोपनीयता का संरक्षण होता है, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती, और यह एक आधुनिक तकनीक है, यह एक आधुनिक तकनीकी पर आधारित सॉफ्टवेयर करेंसी है, सॉफ्टवेयर करेंसी है। इस बार के बजट में खाली ये बोला गया है कि डिजिटल मतलब क्रिप्टो करेंसी से की गई आय पे कर लगेगा, लेकिन मान्यता नहीं दी गई, क्रिप्टो करेंसी के आय पर कर लगेगा, निर्मला सीतारमन ने क्या बात बोली, लेकिन मान्यता नहीं दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मान्यता देने जैसा, लेकिन मान्यता दिया गया नहीं है। अब लिखे चुनौतियां बाधाएं, चुनौतियां बाधाएं, चुनौतियां बाधाएं। पहली चुनौती केंद्रीय बैंक के द्वारा मान्यता नहीं है, आरबीआई के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, आरबीआई के द्वारा मान्यता नहीं, गोपनीयता का दुरुपयोग करते हैं जो आतंकवादी संगठन है, अलगाववादी संगठन, गोपनीयता का दुरुपयोग होता है, गोपनीयता का दुरुपयोग होता है, आतंकवादी संगठनों, अपराधी संगठनों द्वारा, अपराधी संगठनों के द्वारा, आतंकवादी संगठनों, अपराधी संगठनों के द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है,
गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। और वही जानते हैं पर्यावरण के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं ना, तो कार्बन फुटप्रिंट बनता है, पर्यावरण के लिए चुनौती उत्पन्न होती है, क्योंकि बिटकॉइन के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट बनता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए बड़ी बड़ी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट बनता है, कार्बन फुटप्रिंट बनता है। देखिए 2022 के बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाने की घोषणा की गई है, लेकिन इसे मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन इसे मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन इसे मान्यता नहीं दिया गया। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, तो हम लोगों ने खत्म कर लिया, जानते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कल सुबह वाली क्लास में पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ टेक्नोलॉजी को, हेल्थ से जुड़ा इशू को कल सुबह डील करेंगे। अभी करीब 6:30 या 7 बजे के आसपास हम लोग शुरू करेंगे जो है ज्योग्राफी के की दूसरी क्लास की, लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग शुरू करेंगे। तो नोटिफिकेशन अभी डलवा दिया जाएगा, और अभी आपकी करंट अफेयर की क्लास है, तो करंट अफेयर की क्लास भी, बिहार का जो करंट अफेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। कल आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगा, परसों तक आपका ज्योग्राफी भी जानते हैं हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में सिर्फ 5 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें मिट्टी वाला चैप्टर आज ही खत्म करके, और आज ही जानते हैं हम लोग सिंचाई वाले चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे, तो ज्योग्राफी में ज्यादा पार्ट है नहीं, तो बहुत आसानी तक परसों तक जानते हैं ये अधिकतर पार्ट आपका, अधिकतर क्या लगभग सारा खत्म हो जाएगा। नैनो यूरिया का मतलब नैनो कोटिंग की गई है, नैनो यूरिया की कोटिंग, नैनो यूरिया में जानते हैं नैनो कोटिंग की गई है, वही नैनो यूरिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, अभी आप 10 मिनट एंजॉय कर लीजिए, 10 मिनट के बाद फिर आपका शुरू होगा जो है बिहार करंट अफेयर।